So hello and welcome everyone to the R channel. It's Duo on the Rails. I am Gunjan Kumar Jha and she's my wife Diksha. And it's our video about the international travel to the Bali. और इस वीडियो में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे अगर ये आपका पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है और आप भी थोड़े से एंशियस हैं कि हाउ टू ट्रैवल एंड खर्चा कैसे क्या होगा एंड करेंसी कन्वर्जन क्या है या वीजा में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ 20-22 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं जो एज अ फर्स्ट टाइम अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके माइंड में आते हैं, जैसे हमारी माइंड में आया था जब हम पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे। तो उन क्वेश्चंस का जवाब देने का हमने कोशिश। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट बाली। आप कहीं भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल प्लान करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही है कि कब जाएं। तो बाली जाने के लिए अगर आप नेट पे सर्च करो तो वो बोलते हैं वहाँ पे अक्टूबर से अप्रैल तक मानसून है तो उसमें अवॉइड करें। लेकिन हम दिसंबर में गए थे एंड हमें ऐसा मानसून का कुछ भी डिस्टर्बेंस फील नहीं हुआ, बस वाटरफॉल वाले दिन बारिश हुई थी थोड़ी, तो वो तो ठीक है वाटरफॉल वाले दिन, बाकी टाइम कभी भी बारिश नहीं हुई थी। हमारे ड्राइवर से बात हुई तो वो बोले कि दिसंबर में सबसे ज़्यादा इंडियंस आते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिसंबर में ऑब्वियसली हमारे यहाँ शादियाँ ज़्यादा होती है तो कपल्स आते हैं। तो आप कभी भी जाओ, बाली इज ऑल अराउंड। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू रीच बाली, फ्लाइट का कैसा सीन है। फ्लाइट का ऐसा है कि आप इंडिया से कहीं भी जाओ डायरेक्ट फ्लाइट मिलना आपको मुश्किल है बाली के लिए, आपको कहीं के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो हमारा ऐसा था, मुंबई से वियतनाम हम पहले गए थे एंड देन वियतनाम से बाली। और फ्लाइट की बुकिंग आप कहाँ से कर सकते हो, हमने स्काई स्कैनर के थ्रू किया था। स्काई स्कैनर पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, गो आईबी, वो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सस्ते फ्लाइट में जाएंगे तो आपको उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे bravofly.com वगैरह। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आप किसी ऑथेंटिक पार्टीज के थ्रू ही इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करें, क्योंकि इन केस आपका फ्लाइट डिले हो या आपको कुछ कैंसिलेशन हो तो एटलीस्ट आप वहां के कस्टमर केयर से बात कर पाए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीजा, क्या हम ऑनलाइन वीजा अप्लाई करें या बाली पहुंच करके हम वीजा ऑन अराइवल रिसीव करें। मेरा सजेशन यही रहेगा या हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप वीजा ऑन अराइवल के लिए प्रेफर करें, बिकॉज जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं शायद हो सकता है आगे नॉर्म्स चेंज हो जाए, लेकिन आज की डेट में शायद 60 डेज के लिए या 30 डेज के लिए आपको जो है वीज़ा लेना पड़ता है। कभी कभार पेमेंट इशू हो जाता है, पेमेंट रिफंड होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बेटर यही है कि आप जब बाली पहुंच जाएं, बाली पहुंचने के बाद कियोस्क हैं, बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं, लगभग 16-17 रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, तो आपको आई थिंक ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट में आपको 30 डेज का वीज़ा वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ लगभग एक वीज़ा का प्राइस $33 है पर पर्सन, $33 पर पर्सन, तो दैट इज़ अ नॉमिनल चार्ज, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। सो आई विल रेकमेंड, रादर देन वी विल रेकमेंड कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ही ऑप्ट करें। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रैवल इंश्योरेंस नेसेसरी फॉर बाली एंड फ्रॉम वेयर वी शुड टेक इट। तो ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो वो ज़रूरी नहीं है बाली के लिए, बिकॉज वहाँ पे लैंड करने के बाद हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाइए। बट सिंस वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो हमें ऑफिस में लीव अप्लाई करने के लिए, एनओसी लेने के लिए वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत थी। फॉर सेफर साइड आप ले लो तो दैट इज़ वेरी गुड। हमने वो लिया था policybazaar.com से। अगर आप वहाँ पे जाके लॉग इन करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप शॉर्टलिस्ट करके एंड यू कैन जस्ट टेक। तो हमारा अराउंड 800 और 900 में दोनों का ही कवर हो गया था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लगेज इज अलाउड टू कैरी फॉर द बैगेज एंड द कैबिन बोथ। अगर आप चेक इन कर रहे हैं अपना लगेज तो आपको 20 kg अलाउ है जो कि आप चेक इन में ले जा सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके अलावा अपना कैबिन बैगेज 7 kg का ले जा सकते हैं। एक छोटा सा सजेशन भी मेरी तरफ से है कि अगर आप कुछ भी सामान चेक इन करवा रहे हैं जिसमें ऐसी चीज़ है जो कि प्रोहिबिटेड है, जैसे मान लीजिए कि आप लिकर ले जाना चाह रहे हैं इंडिया से या कुछ ऐसा जो भी प्रोहिबिटेड है उसे अवॉइड करें। मोस्ट ऑफ द केस ऐसा भी हुआ है कि हो सकता है कि प्रोहिबिटेड सामान होने के कारण आपका सामान फ्लाइट में लोड ही ना हो और आप बाली पहुंच जाएं, आपका सामान मुंबई में ही रह जाए। तो ऑन द सेफर साइड आप जो है इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। अगर आपका इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है रादर देन अगले इंटरनेशनल ट्रिप्स में तो आपको ये सब चीज़ें पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम बिफोर वी रीच एयरपोर्ट। अगर देखिए आपका इंटरनेशनल ट्रैवल है तो आप कोशिश कीजिए कम से कम भी आप 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए सिंगल पॉइंट एंट्री है। आपको चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं चाहे आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं,
आपको सिक्योरिटी चेक इन कराना हो या आपको एयरपोर्ट में एंट्री करना हो, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल दोनों एक साथ ही होते हैं। हालांकि डोमेस्टिक ट्रैवल करते टाइम उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट इंटरनेशनल में आपके पास अगर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप उस टाइम को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वो आपको आगे जाके हैसल क्रिएट नहीं करेगा। एक और चीज़ इसी से एसोसिएटेड है कि आखिर एक इंटरनेशनल ट्रैवल डोमेस्टिक ट्रैवल से अलग कैसे है। देखिए, कभी भी आप जब आप ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिकली, सबसे पहले आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद आप चेक इन करते हैं, चेक इन के बाद आपका सिक्योरिटी होता है, देन सिक्योरिटी के बाद आप सीधा बोर्डिंग कर देते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा जिसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाता है। वहाँ आपसे कुछ एक सवाल पूछे जाएंगे कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है, किस वजह से कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये भी पूछेंगे कि आप कहाँ काम करते हैं, कौन सी जगह काम करते हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है। हालांकि बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके पास NOC ऑलरेडी रहता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। एंड फॉर द नॉर्मल पर्सन ऑल्सो दे विल जस्ट आस्क कि आप वैकेशन के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म वैकेशन या बिजनेस पर्पज से किस वजह से जा रहे हैं। इमिग्रेशन में भी थोड़ी बहुत लाइन रहती है, इसी वजह से एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लेकर के आप जाएं। इमिग्रेशन में भी कुछ ऐसा टेंशन की बात नहीं है, एक बार आपका इमिग्रेशन हो जाता है तब आपको जो है इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस या फिर जो भी शॉपिंग एरिया है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम लोगों से ये पूछा था ना कि आप दोनों ही रेलवे में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कैश शुड बी कैरी बिसाइड्स कार्ड इन फॉरेक्स कार्ड एंड फ्रॉम वेयर वी शुड कन्वर्ट आवर कैश। तो अगर आपके पास कोई भी फॉरेक्स कार्ड आप लेके जा रहे हो, जैसे आजकल नियो ग्लोबल कार्ड कुछ ज्यादा ही चल रहा है एंड वो कार्ड अच्छा भी है, उसका रिव्यू हम बाद में देंगे वीडियो के एंड में, तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो आप 10,000 तक भी तब भी आप कैश लेके जाओ। एंड कैश के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से इंडियन करेंसी को डॉलर में पहले कन्वर्ट करवा के और इंडोनेशिया जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इंडियन को इंडोनेशियन में कन्वर्ट करवाओगे तो रेट बहुत ही गंदा देते हैं। अगर आप यहाँ से डॉलर लेके वहाँ जा करके इंडोनेशियन में कन्वर्ट करवाओगे तो वो रेट अच्छा देते हैं, वहाँ पे हर गली में आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, जैसे हमारा लास्ट टाइम पे क्या हो गया था, हमने अप्लाई किया था एंड ड्यू टू सम कुरियर का रीज़न था, इशू था, तो वो कार्ड हमारा आ नहीं पाया था, तो हमें कैश ही लेके जाना पड़ा था। तो कैश अराउंड आप 60-70,000 तक आप कैश लेके जाओ, उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा के, एंड वो डॉलर लेके आप कहाँ से कन्वर्ट करवाना चाहिए, तो उसके लिए आप उस दिन गूगल पे चेक कर सकते हो कि रेट क्या चल रहा है एंड यहाँ से इंडियन रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो। डॉलर का वो रेट अच्छा ही देते हैं ना, डॉलर का 2-3 रुपये का डिफरेंस होता है, पर ज़्यादा वो कम नहीं देते। एंड वो डॉलर को आप इंडोनेशिया में ले जाओगे तो वहाँ भी इंडोनेशियन रुपया में वो डॉलर का अच्छा रेट देंगे। उसके बाद एक सजेशन और है कि आप जितना भी कैश लेके वहाँ पे जाओगे डॉलर में, उसको एक दिन में ही सारा का सारा कैश मत कन्वर्ट करवाइए, बिकॉज क्या होता है कि किसी दिन वो रेट बहुत ज़्यादा चला जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक और जो भी मार्केट का सिचुएशन चल रहा है। तो हम जिस दिन गए थे उस दिन हमने कैश कन्वर्ट करवाया था अराउंड कितना 2-3,000 शायद कन्वर्ट करवाया था, तो उस दिन वो आप एक डॉलर पे वो दे रहे थे 170 दे रहे थे, एंड फिर नेक्स्ट डे जब हमने कन्वर्ट करवाया तो 15,250 ऐसा दे रहे थे। तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप एक दिन में पूरा ना कन्वर्ट करवा तो मे बी बेनिफिशियल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसफर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चेक इन। बेसिकली ट्रांसफर क्या होता है, जब कभी भी आप किसी दूर देश में जाते हैं जहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो आपको ले ओवर करना पड़ता है। ले ओवर जिस भी देश में होगा उस देश की जिम्मेदारी है कि आपको अराइवल से डिपार्चर तक पहुँचाए। तो दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम अराइवल टू द डिपार्चर। बेसिकली हमारा जो ले ओवर था वो वियतनाम में था, एंड जब हम वहाँ पर उतरे और फिर उसके बाद हमारा दोबारा से कैबिन बैगेज चेक हुआ एंड सारी चीज़ें जैसे पर्स, मोबाइल एंड बेल्ट, ये सारी चीज़ें बैग में ही डलवा दी और पानी की बॉटल्स जो भी थी वो साइड में रखवा दी, और उसके बाद नॉर्मल फ्रिस्किंग किया गया। उसके बाद हम लोग फ्री थे और एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पर हमें भेज दिया गया। एक खास चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जैसे ही आप उतरते हैं अपने ले ओवर स्टेशन या वियतनाम में जब आप उतरेंगे, सबसे पहले कोशिश कीजिए ट्रांसफर्स के पास जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पहुँच जाएँ। बिकॉज कारण क्या है कि मान लीजिए अगर 2-3 फ्लाइट्स वहाँ पर आ गई तो ट्रांसफर्स में काफ़ी लंबी लाइन लग जाएगी। जब हम लोग गए थे तो कम से कम भी लाइन में 500-600 लोग थे वहाँ पर,
और वहाँ पे समय भी काफी लग जाता है, थोड़े से पुलिस वाले भी इरिटेट हो जाते हैं बिकॉज इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। बट कोशिश कीजिए जो ही आप उतरते हैं बस आपको लेकर के आती है, जल्दी से जल्दी आप ट्रांसफर्स पर पहुंच जाएं। उसके बाद एक बार आप टर्मिनल में आ गए तो देन इट्स ऑल इजी। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ इज इमिग्रेशन इन इंडोनेशिया। बेसिकली जब आप वियतनाम से अराइवल टर्मिनल से अपने फ्लाइट में बैठ के आ जाते हैं इंडोनेशिया में, सबसे पहला काम आप जो करेंगे वहाँ पहुँचते ही आप वीज़ा काउंटर पे जा करके अपना वीज़ा इशू करवा लेंगे। वीज़ा आपको 30 दिन का मिलेगा $33 पर पर्सन पे। उसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे, इमिग्रेशन काउंटर पर आपको अपना पासपोर्ट विद वीज़ा अलॉन्ग विद योर टिकट वो आपको शो करना होगा। इमिग्रेशन पे आपसे जस्ट बेसिक सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि आप यहाँ कितने दिनों के लिए स्टे कर रहे हैं, आपके आने का कारण क्या है, और साथ ही साथ आपका होटल का नाम क्या है। बस ये दो तीन सवाल जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आपसे पूछे जाएंगे। आपका पासपोर्ट स्कैन कर लिया जाएगा एंड आफ्टर यू आर अगला क्वेश्चन ग्रीटेड। है कि हाउ शुड बी फिल द कस्टम डिक्लेरेशन एट बाली एयरपोर्ट। तो कस्टम डिक्लेरेशन भरना बहुत मैंडेटरी है, बिना उसके आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। उसमें क्या है कि जब आपका इमिग्रेशन वहाँ पे हो जाता है, देन आपको एक काउंटर है वहाँ पे, आप ऑनलाइन या तो एक QR कोड स्कैन करके आप वो फॉर्म अपने मोबाइल पे फिलअप कर सकते हो, या फिर वहाँ पे लैपटॉप्स लगे रहते हैं अलग अलग, वहाँ पे आप बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जैसे आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, कितने दिन का स्टे है, और बाली में आपका होटल का एड्रेस कितना है, कहाँ है, हाँ आप कितना कैश कैरी कर रहे हो, आपके पास कोई ज्वेलरी है या नहीं, दीज आर द, हाँ एंड कहाँ काम करते हो, ये भी काम करते हो, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं। आप फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर दो, उसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा, वो QR कोड आप एग्जिट पे दिखाओ। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिम कार्ड। टेलकम सेल इज बेटर, ऑल वी शुड टेक इंटरनेशनल। ने क्या किया था, यहाँ से हम दोनों गए थे तो इन्होंने अपने फ़ोन में इंटरनेशनल रिचार्ज करवा लिया था जियो का, जो कि ₹1,000 में हो गया था। एंड मैंने वहाँ जा कर के लोकल सिम ले लिया था, जो हमें अराउंड 15 से 17 USD का पड़ा था इसके बीच में, और उन्होंने हमें कितना 20 GB डेटा उन्होंने दिया था। और इन यहाँ से अगर आप रिचार्ज करवा के जाते हो तो उसका ये है डिमेरिट कि आपका डेटा बहुत जल्दी वहाँ एग्जॉस्ट होता है, एंड प्लस कि किसी किसी जगह पे वहाँ पे जियो का नेटवर्क बिल्कुल ही गायब हो जा रहा था। जैसे हम नूसा पेनीडा आइलैंड गए थे वहाँ नहीं था, प्लस हम जब वाटरफॉल गए थे तो वहाँ भी नहीं नेटवर्क आ रहा था जियो का। एंड ये जो लोकल सिम था उसका नेटवर्क वॉज गुड, एंड डेटा भी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे आपको बस व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए देते हैं, वो आपको ऐसे नॉर्मल फोन कॉल के लिए वो सिम नहीं है, जस्ट फॉर व्हाट्सएप कॉल। तो आप ले सकते हो, या तो एक, अगर आप लोग दो लोग जा रहे हो तो एक लोकल सिम ले लो, एंड एक यहाँ से आप जाओगे तो वहाँ कम्युनिकेट करने के लिए, एयरपोर्ट पे कम्युनिकेट करने के लिए आप यहाँ से अपने सिम में इंटरनेशनल रिचार्ज करवा के जा सकते सो हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी एक्सचेंज रेट एंड प्रोसीजर। बेसिकली इसमें क्या प्रिकॉशन करेंसी एक्सचेंज के दौरान हमें रखने चाहिए, ये मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी आप करेंसी कन्वर्ट इंडिया से डॉलर में कन्वर्ट करा के ले जाएं या यूरो में, तो बड़े डिनोमिनेशन ले जाएं, जैसे कि 50 या फिर 100 के डिनोमिनेशन में ले जाएं। थोड़े बहुत 20 के अगर मिले हैं या 10 के मिले तो दैट्स ओके, बट कोशिश कीजिए 50 या 100 के ही डिनोमिनेशन ले जाएं, बिकॉज जो आपको स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट है, जो लीगल एक्सचेंज यहाँ पर होता है, वहाँ पे 50 और 100 डॉलर के जो नोट रहते हैं उस पर ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज आपको मिलेगा, रादर देन अगर आप 20-20 डॉलर के 5 नोट लेके जाएंगे तो करेंसी एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़े नोट लेकर के जाएं ताकि एक्सचेंज रेट जो है वो आपको प्रॉपर मिले। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखने की है कि जो ऑथराइज करेंसी एक्सचेंज सेंटर है वहीं पर जाएं, जो कि आपको प्रॉपर रिसीट दें, आपका पासपोर्ट नंबर लें, वहाँ जो रेट चल रहा है आज के पर्टिकुलर डे का वही आपको मिलेगा। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर याद रखिए, वो 50 और 100 डॉलर के नोट पे ही वो रेट मिलता है। अगर आप छोटे नोट लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे फिर वो पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, फिर वो भी एक रैंडम रेट आपको प्रोवाइड। शुरू करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेरियन फूड अवेलेबल, एंड व्हाट अबाउट इंडियन रेस्टोरेंट, एंड व्हाट आर द इंडोनेशियन फूड वी शुड ट्राई। तो वेजिटेरियन ऑप्शन अच्छे से अवेलेबल है वहाँ पे, आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी अच्छे से मिल जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गली में, हर गली में ऑलमोस्ट हमें देख ही जाता था, साउथ इंडियन भी था, न्यू दिल्ली फूड रेस्टोरेंट वगैरह ये सब भी था। तो अगर आप अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट की बात करें तो हम कुटा में रुके हुए थे, वहाँ पे डिस्कवरी मॉल के पास में एक स्पाइस मंत्रा करके इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ का खाना वॉज वेरी गुड, और वेज हो चाहे नॉन वेज हो वहाँ पे सब कुछ ही बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी सही थी, एंड जो रेट था जिस हिसाब से उस हिसाब से क्वांटिटी भी अच्छी थी।
एंड दूसरा कि इंडोनेशियन फूड अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे दो चीज़ें हैं, नासी गोरंग एंड माई गोरंग. नासी गोरंग इज बेसिकली द फ्राइड राइस विथ क्या बोलते हैं, अंडे का पॉच बना के वो लोग उसके ऊपर डाल देते हैं. एंड माई गोरंग इज फ्राइड नूडल्स. एंड अगर आप सी फूड लवर हैं तो फिर तो इंडोनेशिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बाली में भी. बाली में आप जिम्बारन बीच पे सी फूड के बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शंस फॉर टी लवर. अगर आप मेरी तरह चाय के शौकीन हैं तो क्या आपको वहाँ दिक्कत आने वाली है? एक जरूरी सवाल है खासकर जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए. सबसे पहली चीज, आपको बाली में दूध वाली चाय रेयरली ही कहीं मिले. लोग वहाँ दूध वाली चाय नहीं पीते, वहाँ काली चाय ही पीते हैं या फिर ब्लैक कॉफी पीते हैं. तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो सके तो दूध पाउडर का पैकेट आप इंडिया से ही लेकर के जाएं, बिकॉज जो लोग दूध वाली चाय पीते हैं उन्हें काली चाय उतनी पसंद नहीं आती. और खास के जो चाय के शौकीन लोग हैं उनकी तो नींद ही नहीं खुलती, पूरे दिन ऐसा लेजी और ड्रिजीनेस फील आपको होती रहेगी. तो बेटर ये है कि आप दूध का पैकेट साथ ले जाएं, पाउडर मिल्क का, और वहाँ पे जो भी काली चाय रहे तो उसमें दूध पाउडर मिला के आप जो है चाय कंज्यूम कर सकते हैं या कॉफ़ी को भी कंज्यूम कर सकते हैं. होटल्स में भी मिल्क पाउडर अवेलेबल की तरफ आते हैं. अगला क्वेश्चन है कि चाय के बाद जिन्हें थोड़ा अल्कोहलिक बेवरेजेस पसंद है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? अगर आप पॉसिबल हो सके तो ड्यूटी फ्री शॉप्स जो कि आपको इंटरनेशनल डिपार्चर मुंबई में या दिल्ली में जो मिले वहाँ से आप ले सकते हैं. ड्यूटी फ्री रहेगा तो उसे कोई भी जो है रोकता टोकता नहीं है, उसके ऊपर एक सील्ड स्टैम्प रहती है. अदरवाइज आप जो है बाली पहुँचने के बाद वहाँ पर भी परचेज कर सकते हैं. एक मैं अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप बियर लवर हैं, आपको बियर पीना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर बिनटैंग एक ऐसा ब्रांड है जिसके मल्टीपल फ्लेवर के बियर्स अवेलेबल हैं जो कि खास के हमें इंडिया में नहीं मिलते हैं. लाइम फ्लेवर, मेलन फ्लेवर, एंड काफ़ी ज़्यादा रिच कंपनी है बिनटैंग. जब आप बाली जाएंगे तो हर जगह आप बिनटैंग के ही रिजॉर्ट, होटल्स, पैराशूट्स जो कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं, टी शर्ट्स एंड सैंडोज, एवरी थिंग इज ऑफ बिनटैंग. तो बिनटैंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिन्हें बियर पीना पसंद है. Otherwise, it's up to you. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप skip भी. So next question is, what to shop from Bali? जैसे कि लड़कियों को shopping बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी. तो आप वहाँ जाके क्या खरीदे? वैसे बाली में जाके मतलब वहाँ का ऐसा आप कुछ फेमस बोलोगे तो ऐसा कुछ फेमस नहीं है वहाँ का कि आप वहाँ से खरीदो ही. लेकिन आप वहाँ पे कुता में या उबुद में आर्ट मार्केट विजिट कर सकते हो. वहाँ पे अगर आपको किसी के लिए कुछ सोवेनियर लेना है या कुछ भी प्रिंटेड टी शर्ट्स लेनी है वो आप ले सकते हो. एंड प्लस वहाँ पे हाँ कॉफ़ी की बहुत सारी वेराइटीज आपको मिलेगी. उसमें से एक फेमस लुवा कॉफ़ी है जो आप वहाँ से परचेज इज कि अगर आप वहाँ पे सोलो ट्रैवल कर रहे हो या आप बिना पैकेज के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए? तो उसके लिए ग्रैब ऐप मैं सजेस्ट करूँगी जिसके थ्रू वहाँ पे आप मोटरबाइक टैक्सी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल है. दूसरा है क्लूक ऐप. अगर आप पैकेज के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, आप अपनी आइटिनरी खुद ही प्लान कर सकते हो क्लूक के थ्रू, जिससे वो रेट भी बहुत इकोनॉमिकल है. आप चाहे तो नूसा पेनिडा आइलैंड सेपरेट बुक कर सकते हो. आपको कुछ कैंडल लाइट डिनर वगैरह प्लान करना है वो आप उसके थ्रू प्लान कर सकते हो. आपको कीचक डांस जो कि बाली का फेमस है जो कि उलुवांतु टेम्पल में है वो बुक करना है तो वो बुक कर सकते हो. तो ऐसे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो flook.com. तो यहाँ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं. अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है जो हम कवर नहीं कर पाए तो आप वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे. इसके बाद क्योंकि हम बाली पैकेज के थ्रू गए थे क्योंकि हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था एंड हम चाहते थे वो बिल्कुल हैसल फ्री हो, तो हमने पैकेज लिया था. अगर आप बिना पैकेज के थ्रू जाना चाहते हो तो एक तो ऑप्शन मैंने बताया, आप फ्लुक पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड सेकेंड, हमने एक फॉर अ कपल 7 डे का एक एस्टिमेटेड बजट प्लान किया है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी. ऑलमोस्ट मोर और लेस अगर आप पैकेज के थ्रू जाओ या विदाउट पैकेज जाओ, मोर और लेस खर्चा अगर आप क्या बोले लैविशली अगर रहना चाहो तो उतना ही आएगा. या हमने एक एस्टिमेटेड बजट अटैच किया है, इसमें फ़्लाइट आप जितनी जल्दी बुक करें उतना आपको सस्ता पड़ेगा. एंड एकोमोडेशन हमने ये अज्यूम किया है कि आप 3-4 स्टार होटल में स्टे कर रहे हो. फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें. चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वेरी लेस अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर एंड दिस सब्सक्रिप्शन एनकरेजेस टू ट्रेवल मोर टू गिव यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस. फर्दर अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चंस हो इंटरनेशनल फर्स्ट ट्रैवल के बारे में
अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको NOC की प्रॉब्लम आ रही है कि NOC कैसे लें, विजिलेंस क्लियरेंस किस तरह से लेना है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपको जवाब दें और एक प्रॉपर जवाब दें ताकि आपकी समस्या का समाधान आपको बड़ी हो सके। एंड फाइनली हमारे चैनल का नाम याद रखें, डुओ ऑन द रेल्स, और इसे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। So our next question is, what is the, what's up for you?